तो चलिए आगे हम इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे जब बात चल रही है तो हमने फोन को कवर कर लिया है, घड़ी को कवर कर लिया, यानी एक इकोसिस्टम तैयार होते जा रहा है। तो तीसरे नंबर पे जो हम इसी के अंदर एप्पल इकोसिस्टम में जो सबसे मेन होती है, जो लोगों के कानों में आप जो देखते हो ना, ये एप्पल एयरपोर्ड्स लगा के हवाबाजी करते हैं झूठी, तो ये सब क्या है। वैसे अगर बताना है तो सस्ते में भाई अच्छे अच्छे नेकबैंड आ रहे हैं, बट हाँ अगर एप्पल इकोसिस्टम को ही मेंटेन करके चलना है तो फिलहाल में अगर हम लेटेस्ट टॉप वेरिएंट्स की बात करें तो एप्पल में 60,000 रुपये के एयरपोर्ड प्रो मैक्स आ रहे हैं, जो बहुत तगड़े भारी हैं, कोई उनका मतलब नहीं है दैनिक जीवन के अंदर। ठीक है, 60,000 रुपये के वो आते हैं, उससे बढ़िया तो सोनी के IMX आ जाते हैं 24-25 हज़ार रुपये के, काफ़ी ज़बरदस्त कंफर्टेबिलिटी के साथ आते हैं जो। बट यहाँ पे आप उनके लिए तो खैर सोचो 60,000 तो बहुत, कोई रंगबाज होगा वो लेगा। ठीक है, तो उसके अलावा एयरपोड्स 2 भी आ चुके हैं, एयरपोड्स 3 भी अभी लॉन्च हो चुके हैं नए वाले, जो कि 27-28 हज़ार की रेंज में, दूसरे 19 हज़ार के में। लेकिन आपको एयरपोड्स 2 जो सबसे बेसिक यहाँ पे एयरपोड्स हैं, काफ़ी शानदार आवाज़ भी है, काफ़ी शानदार उनकी फिटिंग भी है, कानों के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से आपके फिट हो जाएंगे, और आप उनसे जॉगिंग से लेके वॉकिंग से लेके कुछ भी कर सकते हो जो आप चाहो, साइकिलिंग करिए, कुछ भी करिए। ठीक है, और वो आपको फिलहाल में नए अमेजोन के अंदर जो भी सेल्स जाते हैं उनमें 6 से 7 हज़ार रुपये में मिल जाते हैं भाई। तो आप जैसे बोट के लेते हो, नॉइस के लेते हो, 2.5-2.5-3-3-4-4 हज़ार रुपये तो आप इनके लिए भी खर्च कर ही देते हो, तो 7 से 8 हज़ार रुपये को वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इजीली। आप किसी भी सेल में जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप यहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ से भी खरीद सकते हो, तो ये सब कुछ वहाँ से आप इजीली ले सकते हैं। बाकी सेकेंड हैंड ये भी आपको 3.5 से 4 हज़ार रुपये में देखने को मिल जाएंगे, एक अच्छी रिटेल्ड शॉप पे जाओगे वारंटी के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ था अभी तक जो हमारा पूरा फ़ोन से रिलेटेड, आपको घड़ी मिल गई, फ़ोन मिल गया, मतलब कानों के एयरपोड्स मिल गए, तो ये सब चीज़ें हो गई। हाँ, लास्ट में बात होती है जब प्रोडक्टिविटी की, तो गाइस प्रोडक्टिविटी में आईपैड, आईमैक लाइक और मैक मिनी, ऐसे काफ़ी लंबे लंबे इनके प्रोसीजर हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आईपैड का जो बेसिक मॉडल है ना दोस्तों, जो अभी लेटेस्ट आया है iPad 9 जनरेशन, जहाँ पे पहले 8 जनरेशन था, उसके अंदर 32 GB तो आपको स्टोरेज मिलती थी, और लाइक थोड़ा कंफर्टेबल भी नहीं था, पुराना कैमरा था उसके अंदर 1.2 का और 8 मेगापिक्सल का आगे पीछे का। लेकिन फिलहाल जो iPad 9 जनरेशन अभी लेटेस्ट जो लॉन्च हुआ है पिछले महीने, उसके अंदर तो भाई आपको 64 MB की तो स्टोरेज बढ़ा के दे दी है, 64 MB तक, 64 GB तक की आपको मैक्सिमम कैपेसिटी स्टोरेज में मिल रही है, प्लस में 12 MP का आगे का अल्ट्रा वाइड कैमरा कर दिया पूरा सेंटर स्टेज स्टेबिलाइजेशन के साथ, जिसको कहीं भी मूव करके आप अच्छी तरह वीडियो कॉलिंग ले सकते हैं, प्लस में पीछे का भी 12 मेगापिक्सल का। तो भाई काफी तगड़ा अपडेट हो चुका है, और ये जो iPad 9 जनरेशन है गाइस 50,000 तक के लैपटॉप को बीट कर देता है किसी भी हद में। आप कर लीजिए, चाहे वो आपकी वेब ब्राउजिंग हो, चाहे वो आपकी प्रोडक्टिविटी हो, आप चाहे वीडियो एडिटिंग करते हो, 4K तक की वीडियो एडिटिंग उसमें काफी मक्खन चलती है भाई। इसी के साथ लाइक आप फोटोग्राफी, वेब ब्राउजिंग या वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो आप चलाना चाहे ना सब कुछ चला दीजिए उसके अंदर, सब्सक्राइब भी चला दीजिए, सब्सक्राइब आपके नीचे आ रहा होगा दबा डालो। ठीक है, तो कुछ भी आप उससे कर सकते हैं iPad 9 जनरेशन के साथ। तो और ये आपको मात्र 31,000 रुपये की इसकी करंट प्राइस है। इसके अलावा अगर आपको इससे भी सस्ते में एप्पल इको सिस्टम चाहिए तो मैंने लेटेस्ट बताया 31,000 का, तो जो आपको दुकान पर ये भी 27 से 26-27 हज़ार का आपको पुराना मिल जाएगा, अभी कोई 2-4 महीने की वारंटी चला हुआ बस खाली। इसके अलावा iPad 8th और 7th जनरेशन में बहुत तगड़े हैं भाई, आपको पूरी प्रोडक्टिविटी आपके वही निकाल देंगे अगर आप बेसिक यूज़र हो तो। मैं तो फिर भी पूरे दिन रात यहाँ पे वीडियो चलती हैं, बट आपका सारा काम कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ ओवरऑल यहाँ पे हमारी तरफ से सजेशंस थे, आप एप्पल इकोसिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, बात रही लैपटॉप की, तो शुरुआत में आपको बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है आई मैक के बारे में सोचने की, वरना मैक मिनी, मैक एयर भी आपको 20-30 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। तो अगर ये सारा बजट हम एक्सप्रोक्स मिला के चले ना भाई, तो 70,000 मैक्स टू मैक्स 70 से 75 हज़ार में ना आप ये सारी चीज़ें ले सकते हो, और पूरा एक अपना प्रोडक्टिविटी का सेटअप तैयार कर सकते हो गाइज, जिसमें आपको नोटिफिकेशन से लेके हर चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एक ऐसा स्टूडियो सा तैयार करके अपना सब कुछ चला सकते हैं। तो अगर आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, और मैं जो फिलहाल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ उसको भी आपको मैं दिखा देता हूँ। चलिए आप ही के सामने इस फ़ोन से हम इसको शूट कर लेते हैं। ठीक है, सो दिखा देता हूँ मैं आपको, मैं जो फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ, जो हमारे पीछे चल रहा है, तो XR से ही ये शूटिंग हो रही है पूरी की पूरी, देखिए। ठीक है, तो ये कुछ ओवरऑल यहाँ पे मेरी तरफ से सजेशंस था। प्लीज़ जाइएगा वीडियो को चेकआउट जरूर कीजिएगा, और वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।